क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। मुंबई के मलाड इलाके में आज 3 अज्ञात लोगों के शव मिले हैं। पुलिस की इस मामले में लगातार छानबीन जारी है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि एक लड़की और एक बुजुर्ग दंपति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ये भी माना जा रहा है कि उस लड़की का इससे कोई संबंध नहीं था। घर में जबरदस्ती घुसने की कोई भी सबूत अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन घर से चोरी होने की संभावना सामने जरूर आई है। हाँ हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। मैं तुम्हारे प्यार के लिए 7 समुंदर पार तुमसे मिलने तो आ गई, लेकिन अब मैं वापस जा रही हूँ अजय के पास। तुमने मुझे प्यार करना तो सिखाया है, लेकिन प्यार निभाना मुझे अजय ने सिखाया है। कट। वाह, आई स्वेर दीपिका को भी कॉम्प्लेक्स आ जाए तेरी ये एक्टिंग देखकर। अच्छा, अब ना मक्खन लगाना बंद कर, दिखाना कैसे बनाए। ये लो मैडम, खुद ही देख लो। ये लास्ट वाला अच्छा है ना? लास्ट वाला तो परफेक्ट है, पर मुझे फर्स्ट वाला भी काफी अच्छा लगा था। तू तो सच में स्टार है यार। अच्छा रोमा, एक बात बता, इन सब ऐप वगैरह से मेरी फ्लाइट तो टेक ऑफ करेगी ना? टेक ऑफ? अरे ऐसे टेक ऑफ करेगी कि तुझे लैंड करने का कभी ख्याल ही नहीं आएगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो बहुत जल्द इस 7 इंच के स्क्रीन से डायरेक्ट 70mm स्क्रीन पर राज करेगी तू। अच्छा, तुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे? मुझे पता है, हर स्टार यही करते हैं। तुझ में वो बात दिखती है। देखना, एक दिन तू बहुत बड़ी स्टार बनेगी, एक दिन तेरा किस्मत जरूर चमकेगा। वैसे स्टार बनने पर मुझे भूल मत जाना। हाँ आहा, सुपरस्टार। यार अभी तो बस 2 दिन हुए हैं मुंबई आए। मैं ना सबको दिखाना चाहती हूँ, स्पेशली मम्मा पापा को, कि मेरा मुंबई आने का डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं था। तुझे पता है, मैं ना अब मेरठ तभी वापस जाऊंगी जब इस शहर में अपना खुद का नाम बना लूं। अरे घर वालों की सोच तो कभी मेरठ से बाहर निकली नहीं, पर मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकती पूरी जिंदगी। तुझे पता है मुझे क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि मैं इस शहर की खूबसूरती को अपने ब्रांडेड सनग्लासेस से देखूं। मैं जो कुछ भी पहनूं ना, वही फैशन हो। ज्वेलरी स्टोर के डायमंड के लेटेस्ट कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरे गले में हो। और तू सभी न्यूज में दिखती रहे और मैं तेरी न्यूज पढ़कर सुनाऊंगी। यार कनिका, आई एम रियली सॉरी यार। देखना, मैं तेरे सपने और सपने के उड़ान के बीच में आ रही हूँ, पर मुझे वापस जाना ही होगा। खामखा तुझे घर वगैरह सब ढूंढना पड़ेगा, पर मैं क्या करूँ यार। मम्मी पापा मुझे वापस बुला रहे हैं और मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उनके उनके बात से इनकार कर सकूं। अब मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ, हर कोई मेरी तरह तो नहीं हो सकता ना। मैं ठहरी लिमिटेड एडिशन। अरे क्या है, हमेशा आधा काम करता है। अरे आप सही ठीक है, ये ले। अरे मैडम आइए ना, बैठी बैठी। जी वो विक्रम जी से मिलना है, वन रूम किचन के सिलसिले में बात कर लेना। हाँ मैं ही विक्रम हूँ, आप बैठिए ना, कुछ चाय ठंडा लेंगे क्या? नहीं नहीं, आप बस अच्छे फ्लैट्स के ऑप्शन दिखा दीजिए हमें। पहली बात बताना चाहूंगा कि आप लोग एकदम सही जगह पे, क्योंकि आजकल के ब्रोकर जो है ना, सिर्फ जेब भरने के लिए ना कहीं भी फ्लैट दिलवा देते हैं। और हाँ, ये राघव है, हम दोनों मिलके ना आप दोनों के लिए एकदम बेस्ट फ्लैट ढूंढेंगे। तो ये बस आपको क्या है ना, 1 महीने का ब्रोकरेज देना है, जो कि जरूरी है। अगर आप बाहर जाएंगे तो वो लोग तो 2 महीने का भी मांगते हैं, और 1 साल का लॉक इन पीरियड। हाँ 1 साल। अब देखिए क्या है ना, अगर आप बिना नोटिस दिए चले गए यहाँ से, तो उसका तो टाइटेनिक डूब जाएगा ना। एक तो सिंगल लड़कियाँ, ऊपर से बैचलर्स। एक मिनट, फ्लैट खाली इनके लिए चाहिए हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मतलब 1 पर्सन के लिए पूरा 1 रूम किचन, नो शेयरिंग? वैसे हमारा 12K का बजट है।
मैडम आप मजाक करिए क्या? मतलब यहाँ तो आप थोड़ा बजट बढ़ा लीजिए, वरना आप रूममेट रख लीजिए ना। देखो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा, वरना आप 12,000 के बजट में मतलब आपके टेस्ट के हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा, है ना? अच्छा एक काम करते हैं, हम आपको सोच कर बताते हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको कॉल कर लेंगे। थैंक यू। अरे मैडम जी रुकिए तो सही, अरे मैंने मना का किया, बैठिए बैठिए बैठिए, बस थोड़ा टाइम दीजिए, ये मेरा नंबर लीजिए। और बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं हमारे पास, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए देखिए आप भी देखिए, हाँ ये देखिए। वैसे आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? मॉडल लोग को तो बहुत कम लोग रेंट पे फ्लैट देते हैं, वो क्या है ना आप लोग का ये देर रात तक पार्टी वार्टी चलता है और ऊपर से फिर ये लेट नाइट शूटिंग। एक तो आप ये ना मॉडल मॉडल कहना बंद कर दीजिए, ये शहरी फिल्मी दुनिया है, कितने लोग आते हैं यहाँ हर रोज पिक्चर और टीवी सीरियल में काम करने के लिए। अरे मैडम आप तो खामखा नाराज हो रही है, प्रॉब्लम क्या है लोगों की? अरे जो हम सुनते हैं वही तो कहते हैं ना, आपकी ये फिल्म लाइन भी सात सीढ़ी की तरह है, आज अप तो कल डाउन, आज आपके अकाउंट में ढेर सारा पैसा है कल जीरो, क्या पता। पर देखिए हमें तो आप पर पूरा भरोसा है, आप तो एनी डे ना विनर ही बनेंगे। तुझे लैंडलॉर्ड से टाइम लेने को कहा था ना, क्या हुआ? हाँ बस जा ही रहा था। हाँ पहले वो काम कर जा, ठीक है। अच्छा वो आपके साथ जो दूसरी मैडम थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही? वो एक्चुअली सामान पैक कर रही है, उसे आज रात ही दिल्ली निकलना है। अच्छा उसके लिए हमारे पास भी रहने के लिए कोई घर नहीं होगा, इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द कोई फ्लैट ढूंढ के दीजिए। आप समझ आए गुस्सा क्यों होती? देखिए अपने आप को अकेला मत समझिए, आपकी प्रॉब्लम मतलब हमारी प्रॉब्लम, और ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाते हैं, और ये मखान क्या चीज है। अरे बातों बातों में टाइम का तो पता ही नहीं चला, चलिए लंच करते। लंच नहीं नहीं फिर कभी कर लेंगे। अरे कुछ फ्लैट्स के फोटोज आए, चलिए दिखा देता हूँ। अरे आप खामा का टेंशन ले रही है, अरे मुंबई शहरी ऐसा है, एक दरवाजा बंद हुआ दूसरा अपने आप खुल जाता है। चलिए चलिए आइए आइए, चलिए भी। इतना तीखा, सारी मिर्ची इसी में डाल दिए क्या? आप भी तो इतनी तीखी हो। नहीं कुछ नहीं कुछ, वैसे अच्छा है ये वड़ा पाव भी और यहाँ के लोग भी, एंड बाय द वे थैंक यू। वैसे आप ना ये थैंक यू वगैरह बोलना ना छोड़ दीजिए, एकदम बिंदास हो जाइए। अरे आपने बताया नहीं आप कौन से शो में आती है? अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। अरे आप ऐसी आ गई, मतलब कहीं फोटो वगैरह भेजा है क्या? नहीं। अरे राघव अपना लड़का है ना जो मॉडल लोग के और ये सेलिब्रिटी लोग के पोर्टफोलियो खींचता है, वो सनी। सनी कनिका जी मेरे पहचान का फोटोग्राफर है, एक बार उसके लेंस में ना आपका चेहरा उतर जाए ना मतलब कमाल हो जाएगा। और हाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पहचान भी कराता है, और आपने 3-4 क्लाइंट के मस्त फोटो खिंचाए उसने। सीरियसली वैसे ना मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं आते ही आप लोगों से मिली। बाय द वे उसके चार्ज वगैरह क्या है? चार्जेस यही कुछ 30,000 रुपए, वो 10 से 15 बेहतरीन फोटो खींचेगा। अरे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि डीपी कौन सी लगाओ। पर 30,000 कुछ ज्यादा नहीं है? अभी आपको एक्टिंग वगैरह करना है तो पोर्टफोलियो तो खिंचाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आप आराम से सोच लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे तो मैं करवा ही दूंगा, वरना आपका चांस कम है यार, क्योंकि ऑडिशन की जो लंबी लंबी लाइन होती है वो आपने देखी कहा है अभी तक। ओके भाई वो फ्लैट जो है शाम को 6 बजे तक देख सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, तो कनिका जी 6 बजे क्या हम कल फ्लैट देखने जा सकते हैं? वो एक्चुअली आज मुझे रोमा के साथ कहीं बाहर जाना था। हाँ ठीक है जी कल देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है
अब मैं चलती हूँ। हाँ ओके बाय बाय। भाई भाई इसे पोर्टफोलियो क्यों चाहिए? मुझे क्या लगता है ना, ऐसे ही अगर मेहनत से काम करेगी और अच्छे कॉन्टेक्ट बनाएगी ना, तो ऐसी सुपरस्टार बन जाएगी और पैसों की तो बारिश होगी। ये बारिश की थोड़ी बहुत छींटे ना हम पे बिखर जाए ना, तो हमारा भी भला हो जाएगा। मतलब 12,000 में फ्लैट ढूंढ रही है, मजाक चल रहा है क्या? 8,000 में ना ठीक ठाक उसका पीजे दिलवा दे, क्या बोलता है? लेकिन फोटो खिंचाएगी, उसके पैसे आएंगे, तो हमारा और सनी का रेंट भी तो निकलेगा ना। कैसी डफर जैसी बातें कर रहा है यार, एक लड़की क्या दिख गई तो दिमाग घूम गया तेरा? काम पे ध्यान दे अपना, चल। यार तो सच में बहुत महंगाई है, पैसे तो पानी की तरह बह रहे, असली स्ट्रगल क्या होता है अब पता चल रहा है। पता नहीं क्या होगा। कनिका इतना नेगेटिव सोचेगी तो सपने अधूरे ही रह जाएंगे। अब देख दिल्ली जाकर मैं भी न्यूज रिपोर्टिंग में स्ट्रगल ही करूंगी ना। हाँ वहाँ मम्मी पापा होंगे मेरे साथ, पर भी पॉजिटिव यार कनिका, हर कोई स्ट्रगल करता ही है कुछ बनने के लिए, ऐसी ही चीजें सक्सेस नहीं मिलता यार। पर देख तेरे में तो टैलेंट है, तेरे में वो जुनून है कि तुझे स्टार बनना ही है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेगी ना जिंदगी में तो रास्ते अपने आप तेरे पास आएंगे। पर यार ये फोटोज पोर्टफोलियोज कॉन्टैक्ट ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, बहुत बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यार। देख ये सब बाद की बातें हैं, और तेरी तो सेल्फीज भी अच्छी आती है, तो पहले घर ढूंढ सेटल हो जा, फिर इन सब चीजों के लिए टाइम भी होगा और पैसे भी। वैसे भी एक बात बता, तुझे मुंबई आए हुए कितने दिन? और कनिका प्लीज यार अपने मम्मी पापा को कॉल तो कर ले एक बार, कितने मिस कॉल्स हैं उनके, क्या क्या गलत सोचते होंगे तेरे लिए। यार प्लीज यार मुझे कॉल वॉल कुछ नहीं करना, हा? और मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली। अरे तो वो कौन सा तुझे यहाँ आकर तुझे वापस ले जाएंगे, यार दिन में 10-10 बार कॉल करते हैं, तेरी फिक्र होती होगी। हो गया चल यार देख ले तेरी मर्जी। देख वो सब छोड़, मुझे ये बता तेरी ट्रेन कितने बजे की है? बस और 4 घंटे। अच्छा सुन हाँ ये चाबी ले, कल लैंडलॉर्ड आएगा। ओके हेलो। हाँ विक्रम जी बोलिए। राघव बोल रहा हूँ मैं। अरे विक्रम भाई के यहाँ से आज आप ऑफिस आने वाली थी ना, तो मैंने भी बस सनी से बात कर ली आपके पोर्टफोलियो के लिए। फोटो वो मैं घर देखने तो आ जाऊंगी, पर वो पोर्टफोलियो का प्लान थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है, वो थोड़ा बजट का इशू है। बजट? अच्छा तो मैं अगर आपके लिए फ्री। कनिका जी विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं सोच रहा था आप सीधा ये लैंडलॉर्ड के लोकेशन पे आ जाइए, आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं सीधा आपको वही मिलती हूँ। ओके बाय। एक्सक्यूज मी आप मिस्टर विक्रम सिंह हैं? हाँ जी मैं ही विक्रम हूँ। वो फ्लैट के बारे में बात करनी थी। जी जी हाँ हाँ बैठिए ना। वैसे आपका रिक्वायरमेंट क्या है और परिवार में कौन कौन रहता है? ये 1 BHK मिल जाए तो ठीक है, वैसे मेरा बेटा दिल्ली में रहता है और वो परमानेंटली हमें कुछ दिनों में अपने साथ ले जाएगा। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ज्यादा महंगा नहीं चाहिए, बस मैं और मेरी वाइफ है जी बस। वैसे आपका बजट क्या है? बजट यही कोई 20,000। 20,000? एक बहुत ही बेहतरीन बंगला है नजर में, 2 BHK है और रेंट से 42,000। पूरी बात तो सुनिए, अगर आपको पेइंग गेस्ट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपके बजट में बैठ जाएगा। और वैसे भी दो बातें करने के लिए घर में कोई होना चाहिए ना। लेकिन ये पेइंग गेस्ट ढूंढूंगा कहाँ से मैं? सर मैं करवाता हूँ ना, जिस बंगले की मैं बात कर रहा हूँ ना उसके लैंडलॉर्ड की रिश्तेदार है, यंग सी लड़की है, एक कमरे में वो रहेगी और एक कमरे में आप रहेंगे,
वो अपनी लाइफ में खुश, आप अपने लाइफ में खुश, और रेंट आपके लिए मतलब 22,000 तक करवा दूंगा। आप सोच क्या रहे हैं? ये देखिए, फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, सामने एक प्राइवेट लॉन है, कहाँ मिलता है? ये दो बड़े बड़े कमरे, किचन, बाथरूम, सब एकदम इंग्लिश स्टाइल, सब फर्निश्ड। अगर टोकन आज नहीं दिया ना तो हाथ से निकल जाएगा, और पूरा पेमेंट मुझे देना होगा, बाकी सब करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा है, बस एक बार अपनी वाइफ से बात कर लूं और इसको देख भी लेते हैं, और नहीं तो आप कोई दूसरा देख लीजिएगा। हाँ जरूर, अब बस जल्दी से डिसाइड कर लीजिए, अपना डिसीजन बता दीजिए। आई एम श्योर कि आंटी जी को घर बहुत पसंद आएगा। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है जी। लेकिन विक्रम भाई, आप ये पीजी के लिए लड़की कहाँ से लाओगे, और वो भी लैंडलॉर्ड की रिश्तेदार, और ये रेंट डायरेक्टली जो है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे भाई, तू उस रिश्तेदार को बहुत अच्छे से जानता है। क्या समझा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा घर सिर्फ 10,000 रुपए में। Oh my God, ये सब हुआ कैसे? जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना तो इतना नहीं सोचते। आप कल ही शिफ्ट हो सकती है, और ब्रोकरेज देने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको एक वन रूम किचन चाहिए था, अब आपको एक हॉल, एक गार्डन और एक स्टोर रूम भी मिलने वाला है। स्टोर रूम? अरे स्टोर रूम की क्या जरूरत है, फ्री में मिल रहा है, रख लो यार। वैसे यहाँ दो रूम और है ना? हाँ, दूसरे रूम में एक बहुत अमेजिंग से ओल्ड कपल रहने वाले हैं, एक तरीके से यहाँ के लैंडलॉर्ड ही समझ लीजिए, केयरटेकर है। नहीं नहीं, इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, लैंडलॉर्ड की रिश्तेदारी है। आप उनसे ज्यादा बातचीत मत कीजिए, वो अपने लाइफ में खुश और आप अपनी जिंदगी में खुश। अरे एक गुड न्यूज बताना तो भूल ही गया। गुड न्यूज क्या? अरे जो सनी है ना फोटोग्राफर, उनसे मैंने बात की थी, अब वो आपका पोर्टफोलियो 10,000 में बनाने के लिए तैयार है। सीरियसली? इससे आपका पहले महीने का बजट भी नहीं खराब होगा, और आप डिपॉजिट और ब्रोकरेज के पैसे वो इसमें लगा सकते हैं। सच कहो, मुझे तो थैंक यू भी बहुत छोटा लग रहा है बोलने के लिए। डोंट वरी, मैं हर चीज ना इंटरेस्ट कर वापस लेने वाला हूँ। टोकन जी, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। तो हम चलते हैं। हाँ जी, हम से चलेगा। पता है, कल तक ना मुझे सब कुछ बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था, और आज देखो सब कुछ अपने आप हो रहा है। अभी बिल्कुल सब कुछ सोचना बंद, अपने दिमाग पे ना बिल्कुल ना नो एंट्री का ताला लगा दीजिए। कनिका जी, कनिका जी नहीं, सिर्फ कनिका, अब तो हम दोस्त है ना। क्या हमारी जिंदगी की खुशियां लाइक्स, व्यूज और कमेंट्स पर टिकी हुई है? इस बढ़ती टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे मन में फेम की पहचान की एक अलग परिभाषा हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी, और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। हमारे देश की युवा पीढ़ी को यह लगता है कि उनके माता पिता की उनके प्रति फिक्र उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। कनिका के माता पिता ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे थे, वो केवल इतना चाहते थे कि उनकी बेटी इज्जत से अपना घर बसा ले। लेकिन कनिका को अपना भविष्य कुछ और ही नजर आ रहा था। अपने माता पिता के खिलाफ जाना उसे सही लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ कनिका की दोस्त रोमा, जिसे कनिका की खूबसूरती और टैलेंट पर पूरा यकीन था, वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो नए शहर में आके इस तरह भटक जाएगी। 30 दिन होने को आए, और अब तक मैं 3 लोगों को भी नहीं जानती, और वो जो 10,000 का पोर्टफोलियो बनाया था वो भी कोई काम का नहीं। और जब भी मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझे किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलाओ, तो तुम्हारा तो बस एक ही जवाब होता है, फोटो भेज दिए है ना। पता नहीं मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, दिन भर बस घर पे बैठी रहती हूँ, ऐसे कैसे सरवाइव कर पाऊंगी मैं तो और किसी को जानती भी नहीं हूँ यहाँ पे। कनिका, मेरा भी काम ठंडा पड़ा हुआ है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देता था।
बात पैसों की नहीं है विक्रम, मैं यहाँ कुछ बनने आई हूँ, ना कि घर के अंदर बैठने। मुझे पैसे कमाने हैं खुद के। दिमाग खराब हो गया तुम बुड्ढों की शक्ल देख के। अच्छा, इतना ही जुनून है तुम्हारे अंदर, तो सच सुनने की हिम्मत तो रखती होगी। रहने दो, इस शहर में जो कीमत चुकानी पड़ती है तुम नहीं दे पाओगी। क्या तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ये सब बोलते हुए? तुम मुझे जानते ही कितना हो। हाँ, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती। तुम्हारी सोच जा खत्म होती है ना, वहां मेरी सोच शुरू होती है। सब कुछ तो है मेरे पास, ब्रेन, टैलेंट, ब्यूटी। लेकिन कनिका, सच कुछ और है। तुम जो भी कुछ चाहो तुम्हें तुम्हें आसानी से मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इंडस्ट्री का पुराना दस्तूर तुम तो जानती होगी। मैं जानता था तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर डेयरिंग ही नहीं है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं अरेंजमेंट करा सकता हूँ अगर तुमसे हो पाएगा तो। दो तीन लोगों को तुम्हारे फोटोज भी पसंद आए थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि उन्हें तुमसे अकेले में मिलना है, तो मैंने सोचा कि तुम तो मेरी जिम्मेदारी थी। और तुमने मना कर दिया बिना मुझसे पूछे, और ये बात तुम अब मुझे बता रहे हो। देखो, एक प्रोड्यूसर आने वाले हैं अपनी अपकमिंग मूवी शुरू करने के लिए। उन्हें एक फ्रेश फेस की तलाश है। वो तुम्हारे सारे खर्चे उठाने वाले हैं, तुम्हारी लाइफ बना देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें उन्हें खुश करना होगा। तुम समझ रही हो ना? कनिका बेटा, हेलो कनिका, हेलो। मुझे मंजूर है, तुम बस मुझे ये बताओ मुझे करना क्या होगा। तुम्हें बस ऐसे ही रहना होगा एक ए ग्रेड सुपरस्टार हीरोइन की तरह। और सोचो, तुम खूबसूरत तो हो ही, लोगों की यहां पर लाइन लग जाएगी, लोग फ्राइडे को मूवी नहीं देखेंगे, तुम्हें देखने आएंगे, तुम्हारे बड़े बड़े बैनर लगेंगे और हर फोन पे तुम्हारा ही वॉलपेपर होगा। सोचो। ये देखिए, ये वाली। ₹25,000 पर डे से ना एक रुपए कम नहीं। ये होगी ना बात। ये सब क्या है? रेंट के पैसे ही समझ ले। अभी हर एक इंसान को ना बहुत जल्दी जल्दी पैसे कमाने होते। कनिका अकेली नहीं है जिसे बहुत बड़ा बनना है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। सही टाइम देख के, सिचुएशन समझ कर, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ना चीजें होती है, समझा? आप जानते थे कि कनिका मान जाएगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ब्रोकर हूं, कस्टमर को देख के ना उसके नीड्स को समझ जाता हूं। अभी उसे एक्टिंग से ज्यादा पहचान चाहिए और मुझे पैसे। और सुन, अब से कनिका को तू मैनेज करेगा और मैं बिजनेस को बढ़ाने के नए नए रास्ते ढूंढूंगा। 50% हमारा, 50% उसका, दिमाग मेरा और बाकी सब कुछ उसका। समझा? हेलो कनिका। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये विक्रम भाई ने भेजे हैं तुम्हारे लिए, और वो क्लाइंट भी बस जल्दी आने वाला है। क्लाइंट? अरे वो विक्रम भाई से बात हुई थी ना तुम्हारी कुछ? हाँ, पर वो तो किसी प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहे थे। अरे हाँ, मतलब वही प्रोड्यूसर कुछ ही देर में आने वाला है, तो मैं क्या है ना, मैं यहीं बैठ जाता हूँ हॉल में, तुम उससे प्राइवेट में कुछ बात कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ।
अंकल वो कुछ दिन तक ना मेहमान आते रहेंगे, मेरा मतलब है आते जाते रहेंगे, तो विक्रम भाई ने बताया कि ये लैंडलॉर्ड के रिश्तेदार है, तो ज्यादा पूछताछ वगैरह मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू अंकल, चलता हूँ। जी राघव, अच्छी तो लग रही हूँ ना मैं, रोल तो मिल जाएगा ना मुझे? क्या हुआ राघव, बोलो ना, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे क्या बोलूँ, तुम तो डेली अच्छी लगती हो ना, आज भी अच्छी लग रही हो। लगता है आ गए, मैं एक मिनट में आया। हाय। हेलो। हाय। और ये मेरी पहले वाली फोटोज, ये मेरी फेवरेट है। थैंक यू। पैसे? मैं जानता था तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर डेयरिंग ही नहीं है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं अरेंजमेंट करा सकता हूं अगर तुमसे हो पाएगा तो। अब मुझे काम तो मिल जाएगा ना? जरूर। राघव, मुझे काम तो मिल जाएगा ना? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा काम, पैसा और काम दोनों मिलेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो। अरे आइए। पैसे? चलो। क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? शर्माना नहीं, बस इतना याद रखना मुझे काम जरूर मिले। लेकिन ये सब वो तुम्हारे कहने पर कर रही थी, और ये आदमी, ये सब क्लाइंट, ये शायद उसे कभी काम भी ना दे। अभी तुझे वो बेचारी लग रही है? मतलब वो कमाल की एक्टिंग करती है, उसी को काम चाहिए था। मैंने बात की थी उससे, अगर नहीं करना तो मना कर देती, 50% दे रहे हैं और तू उसकी तरफ से बोल रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि काम तो उसे मिला नहीं, और जितना पैसा है वो भी हम ले रहे हैं, तो इस सब में फायदा क्या है? देख, फायदा सबका ही हो रहा है यार, तेरा हो रहा है, मेरा हो रहा है, और वो दो बुढ़ाओं का भी तो हो रहा है, एक तरीके से उनका भी तो रेंट कम कर दिया है ना। मैंने गलत क्या किया और तू मुझसे बहस कर रहा है? कोई चाय वाय पिलाओ यार। ये तुम्हारे आज का एडवांस, और ये आने वाली पार्टी का। क्या बात है, पैसों की बारिश करवा दी ना मैंने। हाँ यार, तूने तो मुझे गलत साबित कर दिया यार, तू तो बहुत डेयरिंग निकली। लेकिन विक्रम, अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। आएगा आएगा, 100% गारंटी देता हूँ आएगा। अच्छी चीजों को होने के लिए टाइम तो लगता है ना, ये सब बातें छोड़ते हैं ना, पिक्चर देखने चलते हैं, माय ट्रीट। ओके चल।
मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे नहीं चाहिए पैसे, नहीं मिल रहा मुझे किसी से, ना ही किसी प्रोड्यूसर से, ना ही किसी डायरेक्टर से, ना ही किसी असिस्टेंट से। बहुत हो गया है अब। देख शांत हो जा, गुस्सा नहीं, आंटी अंकल सुन लेंगे। क्यों काम का उनके सामने एक सीन क्रिएट करना है? मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे घर चाहिए अपना। तू निकल यहाँ से विक्रम। मुझे सब याद है, क्या क्या वादे किए थे तूने मुझसे। डेरिंग दिखनी थी ना मेरी, देख ली डेरिंग। डेरिंग दिखाते दिखाते खुद को ही खो दिया मैंने। तू निकल यहाँ से। पहले तो तू तमीज से बात कर। देख किसको भी पूछेगी ना ऐसा ही होता है, सब स्ट्रगल करते हैं। तू पहली या आखिरी नहीं है, तेरे से बहुत आई और बहुत कही, इसलिए इंडस्ट्री वालों को कोई घर नहीं देता है, सब यही सब चलता रहता है, समझी? ओ तू ना मेरे से बिगड़ कुछ नहीं है, देखो जो करना है कर ले। राघव चल इसको अपने हाथ में छोड़ दे, चल। मैं कुछ करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। हाँ क्या ये सच में लैंडलॉर्ड के रिश्तेदार है? अरे अब कुछ ही महीने की बात और है, हमें इनके मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बस अपने हिस्से का रेंट दे रहे हैं और शांति से रह रहे हैं। चलो अंदर चलो। राघव ये कब से मुझे काटने को दौड़ता है? सबको मेरी जरूरत इन चार दीवारों के अंदर ही क्यों महसूस होती है? मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगी पर शायद ये कमरा मेरे अंदर से कभी नहीं निकल पाएगा। मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम के ना सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। एक क्लाइंट है सिंगापुर में रहता है, अगर वो तुम्हें काम नहीं भी देगा ना तब भी कोई अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें बदले में इतने पैसे दे देगा तुम अपनी एक नई पहचान बना सकती हो। बस राघव मुझे और सपने मत दिखाओ। सपना नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। बस इस सब की खबर विक्रम को नहीं होनी चाहिए, जितना भी पैसा मिलेगा वो सब तुम्हारा। और यार तुम ये विक्रम से बात करना ना बंद करो, सही इंसान नहीं है वो। कनिका मैं तुमसे बहुत दिन से कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कनिका मुझे परवाह है तुम्हारी, ये आखिरी बार है और इसके बाद तुम्हारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। जिंदगी तुम्हारा एक आखिरी इम्तिहान दे रही है। एक और आइडिया मेरे पास, लेकिन अभी मैं निकलता हूँ वरना विक्रम को शक हो जाएगा। ठीक है तुम मेरा नंबर दे दो उनको, मैं बात कर लूंगी। और रही बात उस विक्रम की, उससे तो मैं जिंदगी भर कभी बात नहीं करूंगी। कनिका तुम उस क्लाइंट से मिलो, उसका नाम आशीष है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ, भरोसा करो मुझ पर। यू नो मॉडल्स की कमी नहीं है शहर में, लेकिन तुम स्पेशल हो। तुम तो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी हो ना, तो कैमरे पर हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? पासपोर्ट है तुम्हारे पास? नहीं। तो बनवा लो जल्दी से और चलो मेरे साथ सिंगापुर। सिंगापुर वहां तुम्हें हर चीज मिलेगी, पैसा, लाइफस्टाइल, कच्ची जिंदगी। ये तुम्हारे लिए, रखो इसे। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, और तुम ना अब इन छोटे मोटे लोगों को भूल जाओ और जल्दी से अपना पासपोर्ट बनाओ और मुझे कॉल करो, ठीक है? मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। ये तुम्हारे लिए, रखो मैं चलता हूं। कनिका अलग ही सही, लेकिन सपना पूरा हो सकता है तेरा।
अब इन छोटे लोगों से तो दूर रहना ही होगा। हेलो, बहुत दिनों से तुम आए नहीं, कोई रिप्लाई भी नहीं किया, मैं मिस कर रही हूँ तुम्हें। हाँ बाबा, जल्दी आता हूँ, तुम बस अपना पासवर्ड रेडी करो। हाँ, मैं वो सब कर लूंगी। आशीष, मैं निकलना चाहती हूँ इस जेल से, आजाद होकर उड़ना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो तुमने घर शिफ्ट किया या वहीं रह रही हो? नहीं, अभी नहीं किया, लेकिन जल्दी कर लूंगी। तुम्हें पता है ना, सेम प्रॉब्लम, मैं सिंगल लड़कियों को जल्दी घर नहीं देते, लेकिन जल्दी ही कर लूंगी। और ये अंकल आंटी कुछ कहते नहीं है ना, तो ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। हमें ये हमेशा लगता है कि समुद्र की लहरें हमें अपने साथ आगे ले जा रही हैं, लेकिन ये हमारी गलत फहमी होती है। वो हमारे पैरों तले की रेत को खिसका रही होती है। कनिका को यही लग रहा था कि भले ही दूसरे तरीके से सही, वो अपने सपने तो पूरे कर रही है, गिफ्ट और पैसे तो उसे मिल ही रहे हैं जो कि सेलिब्रिटी बनने के बाद भी मिलते थे। भले ही हजारों की ऑडियंस ना सही, लेकिन सिंगापुर तो वो जा ही रही थी। उसे लग रहा था कि उसे जिंदगी जीने का एक नया रास्ता मिल गया है। मुश्किल समय देखने के बाद उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उम्मीद की ये नई किरण उसे उसके सपनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जा रही थी। सही गलत का अंदाजा ही नहीं था कनिका को, वो अपने आप में पूरी तरह से खो चुकी थी। यहां तक कि वो विक्रम और राघव से भी दूर जाने की कोशिश कर रही थी। राघव उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह कनिका उसे मिल जाए और वो उसे यहां से दूर ले जाए। क्या राघव कनिका को ढूंढ पाएगा? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, जब मैं अंकल से पूछता हूँ तो वे कहते हैं घर पे कोई है ही नहीं। ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे करूँ, तुम्हारी नहीं है ना। देखो, विक्रम तुम्हें ढूंढ रहा है, उसके पास पैसे नहीं आ रहे आजकल, और उसे शक हो गया आशीष पे। उसे शक हो रहा है तो हो जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कनिका, मैं तुम्हें सच में यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ। ये सब आशीष वगैरह की आदत मत डालो। मैंने क्या कहा था तुमसे, ये सिर्फ एक बार की बात है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब दिखाई नहीं दे रहा? ये चेन, ये रिंग, ये महंगे कपड़े, सब देख रहा हूँ मैं। तुम बस अपना बैग पैक करो, मेरी बहन रहती है बेंगलोर में और हम लोग वहां चल रहे हैं। राघव यार, तुम बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो अब मुझे, जाओ यहाँ से, बोर मत करो। तो तुम चलोगी ना मेरे साथ? मैं टिकट बुक कर रहा हूँ और बैग्स भी एकदम पैक है, तो बस तुम तैयार हो जाओ और मैं 2-3 घंटे में वापस आता हूँ। बस करो यार राघव, जाओ अब यहाँ से। गुड बाय, बस मैं यूं गया और यूं आया। जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, बस जाओ जल्दी। अब आशीष, ये कौन सा नंबर है तुम्हारा? मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें। हाँ कनिका, एक बार मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे फ्रेंड के नाते ही से, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो ना। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम जा कहोगी, जब कहोगी मैं तुमसे मिलूंगा। बस एक बार मिल लो। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए ना टाइम नहीं है। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। प्लीज एक बार। ठीक है, घर आ जाओ, 10 मिनट से ऊपर 1 सेकंड नहीं दूंगी मैं तुम्हें। आंटी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, ये लो प्रसाद। तुम लैंडलॉर्ड की रिलेटिव हो ना? आपको किसने बोला कि मैं लैंडलॉर्ड के रिलेटिव हूँ? वो विक्रम ने कहा था घर लेते वक्त। कुछ भी कहा ना तो वो तुम्हारा अपने शब्द होगा। चलो मेरे साथ। तुम पूछ रही थी ना कि स्टोरूम क्यों चाहिए, चलो अभी बताता चलो। कनिका, कनिका कहाँ हो तुम?
पहले दिन से ही झूठ बोलते आए हो। मुझसे कहा कि वो लैंडलॉर्ड के रिश्तेदार है और उनसे कहा कि मैं लैंडलॉर्ड की रिश्तेदार हूँ। आखिर तुम्हारा सच सामने आ ही गया। कितने घटिया इंसान हो तुम। तुझे आज तक जो भी मिला सिर्फ मेरी वजह से मिला, वरना शहर के किसी कोने में पड़ी रहती थी। मुझे क्या लगा सारे पैसे तू आशीष से डारे के लिए लगी। तू मेरी है, मैंने तुझे बनाया है। तू मेरी है, तू मेरी है। ये आवाज स्टोर रूम से आ रही है लगता तो वही है। चले तो आराम से। आंटी जी, अंकल जी, आपको ये सब नहीं देखना चाहिए था। विक्रम, ये तूने क्या किया? कनिका कहाँ है? अरे यार यहाँ चल क्या रहा है ये सब? सब अपनी अपनी जगह पहुंच गए हैं। कॉपी ऐसे दिखा चुका हूं, अब सबको समझ आया विक्रम सिंह क्या चीज है। मेरा भाई तू फिक्र मत कर, आज तू आजाद है। कनिका, 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 कनिका। चाहती हूँ कि मैं इस शहर की खूबसूरती को अपने ब्रांडेड सनग्लासेस से देखूं। मैं जो कुछ भी पहनू ना वही फैशन हो। ज्वेलरी स्टोर के डायमंड के लेटेस्ट कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरे गले में हो। और तू सभी न्यूज में दिखती रहे और मैं तेरी न्यूज पढ़कर सुनाऊंगी। हम इंसान अक्सर ये चाहते हैं कि पल भर में चुटकी बजाकर अपने जीवन के बड़े से बड़े मसलों को हल कर ले। पैसों के लालच में विक्रम ने कत्ल की है। राघव ने विक्रम को अरेस्ट करवाकर पुलिस की मदद जरूर की, लेकिन गलत तो राघव भी था, क्योंकि कनिका से उसका प्यार उसकी रखी हुई शर्तों पर टिका हुआ था। वो आशीष के गिफ्ट्स बेचकर कनिका के साथ जिंदगी जीना चाहता था। राघव जल्दबाजी में ये देख ही नहीं पाया कि वो सारे के सारे जेवरात नकली थे। पैसों के लालच और धोखे से ना तो कभी किसी का फायदा हुआ है और ना ही होगा। शर्तों पर रखे गए प्यार का अंजाम तो आपने देख ही लिया। याद रखें, दोस्त हमेशा सोच समझ कर चुने, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते को आप खुद अपने आप से जोड़ते हो। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची और रोमांचक घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।